तेरा मेरा रक्षाबंधन। लग रही हूँ ना आपकी जैसी, अब किसी को आपकी कमी ना होने दूंगी। बापू सा और भाईसा का ख्याल रखूंगी, मैं भाईसा को कहीं ना जाने दूंगी। अच्छा अब मैं अपना काम करके आती हूँ। तुझे किस बात की खुशी हो रही है इतनी है? पोटली में धन के आने की खुशी में। अभी धन थारे हाथ से आया, हमारे हाथ से आया, क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो लक्ष्मी जी के आने से है ना। थारी शादी के बहाने मन में पूरा मौका मिलेगा उम्मीद सिंह पे डोरे डालने का, और ये मौका चकोरी ना जाने देगी। वो लुटेरी दुल्हनी कैसी जो शिकार देख के अपना कदम खींच ले। मूंग सिंह, प्लान तो तूने फूली को लूटने का बनाया है, पर तेरे ब्याह के बहाने असली खेल तो चकोरी खेलेगी। 6 दुल्हों से ब्याह कर उनको लूट चुकी हूँ, 7वें आप ही होंगे सरपंच साहब, निचोड़ के रख दूंगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यरेकाक्षं सवाभ्यन्तरः शुचिः पुण्यरेकाक्षः पुनातु। भीम सिंह जी, रोके की रसम के लिए आप ऊपर आ जाइए। जी। डो के कर रही है बेटा, ये लग जाएगी तने, ये के लगी के देखा। वो बच्चा चोर यहाँ पर लड्डू चुराने आए थे, मैंने उसे पकड़ा और वो मारे को चिमटी काट के भाग गए थे। रे मेरी लाडो, बच्चा चोर नहीं, लड्डू का एक चुराए बेगी। बापू सा सच्ची में वही थी, उसने चोरनी और भी थी। शांत हो जा तू, पहले चढ़ देखते हैं। अच्छा ये दिखी मिर्च तुम्हारे खेल शुरू होने से पहले खत्म कर देगी। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो सरपंच साहब से ब्याह करने का मारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। मारी छोरी झूठ ना बोले, उसने जो देखा है वो देखा है। जा लड्डू, देखा करो मारे के। अपने हाथ नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से फूली के ब्याह में कोई दिक्कत आए। सही कह रहे भाई साहब, अगर मैंने सिद्ध की तो पापू सा को लगेगा कि मैं बड़ी ना हुई और वो नई माँ लाने का अपना फैसला ना बदलेंगे। बापू सा दूसरी माँ सा लाने वाले हैं। वो चोरनी तो अब तक मौका देखकर भाग गई होगी। ठीक है चल जा। जी शरबत पीने का मन ना है। पी लीजिए ना, शरबत बहुत अच्छा है। ठाकुर सर, शरबत बहुत स्वादिष्ट है, आपने पीना चाहिए। लग गया आज शरबत पीना ही पड़ेगा। फिर मैं एक नया तमाशा खड़ा कर दूंगी कि आपने नशे की हालत में एक अबला की इज्जत पे हाथ डाला और फिर उम्मीद सा आप बींद बनकर जरूर चढ़ोगी खोरी मारे वास्ते। कैसे फाड़ू? We'll be right back.
तेरा जवाब नहीं चकोरी, नाम होगा तेरे इज्जत जाने का और जाएगी ठाकुर साहब की। बापूसा, उठो ना बापूसा, बुखार तो ना चढ़ गया, बुखार भी ना है। उमा, वे काम कर, रसोई में जाके जल्दी से एक ग्लास पानी ले आ बापूसा के लिए, ठीक है? बापूसा, उठो ना बापूसा। श्राप है ये जो हमारे सपनों को लगा है, कैसे हर बार बीच में कूदे हैं? तेरी और सरपंच आकर रास्ते के कांटा बने हैं ना ये छोरी, पहले इसे किनारा कर ताकि आज की रात जो होए पक्का काम होए। नहीं बोले ऐसा, हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना है, इसलिए काका सा और काकी सा ही मारे माँ बाप जैसे हैं। ये बात हमारे दिमाग में पहले कभी ना आई थी, पर जब शिव ने हमारे सामने फूली ने अपनी माँ बनाने का प्रस्ताव रखा, तब मन ने यह एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को चंदा जैसा प्यार सिवाय फूली के और कोई ना दे सके। सिंह, क्या मैं तारे से तारी बैंड फूली का हाथ मांग सकूं? फूली, बताना था तुम्हारे से, हमारे से प्यार करे? सरपंच सा, इस बार चकोरी के वार से ना बच पाओगे, क्योंकि अब चकोरी आ रही है पूरी तैयारी के साथ आपको निचोड़ने।